जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चावल का आटा का तिलौरी बनाएंगे। ये चावल का आटा को हमने चालन से चाल लिया है, अब इसे तिलौरी बनाएंगे। तिलौरी बनाने के लिए कढ़ाई में पानी रखेंगे। अब पानी में नमक रखेंगे, एक पिंच हींग, काला जीरा, अजवाइन। अब मिक्स कर देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, चावल का आटा रखेंगे। अब मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक आटा को पकाएंगे पानी के साथ। चलाते रहेंगे इस तरह से, नहीं तो आटा हमारा जल जाएगा। आटा इस तरह से हलवा के आकार में पूरा बन जाने से आटा हमारा पक जाता है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब आटा को ठंडा होने देंगे। आधा आटा को निकाल लेंगे और कलर वाला बनाएंगे। इसमें आप फूड कलर मिक्स करके कोई भी कलर का बना सकते हैं। हम हल्दी पाउडर रख रहे हैं, पीला कलर का बन जाएगा। थोड़ा सा ठंडा पानी रख के हल्दी के साथ आटा को मिक्स कर देंगे। आटा को अच्छा से फेंट लेंगे, बहुत देर तक फेंटना पड़ता है, और चेक कर लेंगे। थोड़ा सा आटा पानी में रखेंगे। इस तरह से पानी में रखने से ये तैरने लगता है, तो आटा हमारा फेटा गया रहता है। आटा अब हमारा फेटा गया है, ये देखिए तैर रहा है। आटा को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, तब तक सफ़ेद वाला आटा को फेंट लेंगे। अब ये सफ़ेद वाला आटा को भी अच्छा से फेंट लेंगे। बहुत देर तक फेंटना पड़ता है, 10-15 मिनट तक। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फेंटेंगे। अब आटा हमारा पूरा अच्छा से फेंट आ गया है। अब तिलौरी बनाने के लिए धूप में एक कॉटन का कपड़ा को बिछा देंगे। हाथ में थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लेंगे और आटा को इस तरह से लेके छोटा छोटा पीस इस तरह से बना देंगे और इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब पीला वाला तिलौरी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब सफ़ेद वाला को भी बना लेंगे। थोड़ा सा आटा का हम जलेबी वाला बनाएंगे। जलेबी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए पन्नी में थोड़ा सा आटा रखेंगे। कैंची से इधर से थोड़ा सा कट कर देंगे। अब तिलौरी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे शाम तक धूप में सूखने देंगे। अब शाम हो गया है, तिलौरी हमारा भी अच्छा से नहीं सूखा है, कल फिर से धूप में रखेंगे। अब ढक दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, फिर से धूप में रख देंगे सूखने के लिए। अब धूप में फैला दिए हैं, अब शाम तक सूखेगा तो ये आसानी से अपने आप निकल जाएगा, अभी नहीं निकल रहा है। अब तिलौरी हमारा पूरा अच्छा से सूख गया है, आसानी से निकल जाएगा। अब सूख जाने के बाद तिलौरी पूरा आसानी से निकल जाता है। अब इसी तरह से निकाल लेंगे। तिलौरी अब हमारा पूरा निकल गया है, अब 2-3 दिन और धूप में सूख लेंगे। अब तिलौरी हमारा पूरा अच्छा से सूख गया है, अब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे और थोड़ा सा सूख के छान लेंगे। तिलौरी को छानने के लिए कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब रिफाइंड ऑयल रखेंगे। आप अपने पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब चावल की आटा का तिलौरी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी लगता है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।